Brought to you by Physics Wala. राहुल गांधी मिलते नहीं हैं, हिमंता बिस्व शर्मा कह चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं, हार्दिक पटेल, तो क्या कहीं लीडरशिप को आप लोग कहते हैं क्या कि नाराजगी जो है वो काफी ज्यादा है? देखिए, सबसे मिलते हैं, लीडरशिप से बात होती है सर क्या आपकी? बराबर बात होती है, जब चाहते हैं जब मिलते हैं। ये तो जिसके दिल में खोट आ जाए ना, जिसका अपना पर्सनल एजेंडा है वो तो कुछ भी कह सकता है। अगर वो किसी से मिलते नहीं तो पार्टी कैसे चल रही है फिर? इन्हीं चार लोगों के कहने से नेतृत्व तो किसी से मिलता नहीं है, बाकी पांचवा आदमी तो कोई बोल नहीं रहा है। इस तरह की बातें करने से कोई, मैं समझता हूँ, तुक नहीं है। जो आदमी का ईमान डगमगा गया हो, जो पार्टी छोड़ रहा हो, उसको क्या अधिकार इस तरह की बात करने का? राजस्थान में आप कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लंबे समय से जुड़े रहे हैं, इस समय की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, कहा जा रहा है कि 2023 में सरकार रिपीट होगी या नहीं ये पता नहीं है, पर एक तरह से लीडरशिप को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद भी हुए थे, क्या लगता है सर आपको, राज्यसभा के चुनाव भी नजदीक? तीनों सीट राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बीजेपी ने खरीद फरोख्त की राजनीति सरकार गिराने के नाम पे भी करने की कोशिश की, फेल हो गए। अभी इन तीन चुनावों में भी फेल होगी, हम जीतेंगे और 23 में भी सरकार पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी और हम ही बनाएंगे। आप कह रहे हैं हम ही बनाएंगे, पर पिछले 20-25 सालों में ऐसा देखा नहीं गया कि कांग्रेस रिपीट करे राजस्थान में अपनी सरकार। क्या आपको लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन एक तरीका हो सकता है यहाँ पर वापसी करने का? कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और पार्टी जीतेगी 2023 में। रघु शर्मा साफ तौर पर हमला कर रहे हैं हार्दिक पटेल के ऊपर, कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने के बाद जो कुछ बयानबाजी वो कर रहे हैं पूरी तरह से बीजेपी की शह पर स्क्रिप्टेड है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ देवंकुर वधावन।